जनरेशन में सारे के सारे आपके फ्लावर्स जो हैं वो पर्पल कलर के होंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब क्या किया, F1 जनरेशन को हमने क्या किया है, सेल्फिंग करवाई है। तो कैपिटल पी स्मॉल पी, इट इज सेल्फ विथ कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। गैमेट आपके चार तरह के प्रोड्यूस होंगे, गैमेट आपके चार तरह के प्रोड्यूस होंगे। एक आपका कैपिटल पी स्मॉल पी, यहां पे भी आपका चार तरह का गैमेट, दो तरह का गैमेट बनेगा, कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। ये इसके साथ क्रॉस करेगा, ये इसके साथ, दिस वन विद दिस वन, और फिर ये इसके साथ। अब देखें हम लोग, ये आपका कैपिटल पी हो गया, कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, कैपिटल पी एंड स्मॉल पी एंड स्मॉल पी स्मॉल पी। अब यहाँ पे इसके अगर हम फिनोटाइप्स को देखें तो ये तीन जो हैं, ठीक है, इनका फिनोटाइप कैसा होगा, पर्पल होगा। जो आपका फ्लावर का फिनोटाइप होगा वो पर्पल होगा, और यहाँ पे आपका सिंगल जो है ये क्या होगा, वाइट कलर का फ्लावर होगा, ठीक है। तो आपको जो है सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन। ये हमने जो है इनहेरिटेंस पैटर्न एक्सप्लेन किया है F1 और F2 जनरेशन में। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टेट द विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ F1 एंड F2 प्रोजेनी। तो F1 और F2 प्रोजेनी में आपको जो विजिबल कैरेक्टर्स, दैट इज योर फिनोटाइप, वो आपको क्या देखने को मिल रहा है। एक तो आपका पर्पल कलर का है, तीन जो आपके फ्लावर्स हैं दे आर ऑफ पर्पल कलर, और एक आपका जो फ्लावर है दैट इज ऑफ वाइट कलर, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं 75% जो आपका फ्लावर है दैट इज पर्पल कलर फ्लावर, और जो आपका 25% फ्लावर है दैट इज ऑफ वाइट कलर फ्लावर। तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट 21, नेक्स्ट वन इज 21। अब देखें 21 में क्या कह रहा है। एक्सप्लेन गिविंग रीजंस द बेंडिंग ऑफ द शूट टिप ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स लाइट सोर्स कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट। ये तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। एक्सप्लेन गिविंग रीजंस द बेंडिंग ऑफ द शूट टिप। शूट टिप क्यों बेंड हो जाता है आपके लाइट के टुवर्ड्स, शूट टिप क्यों बेंड हो जाता है। आपने फोटोट्रॉपिज्म के बारे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। आपका लाइट सोर्स के तरफ आपका जो शूट का टिप है वो बेंड हो जाता है। तो ये बेंडिंग होती कैसे है, क्या मैकेनिज्म है, इसका थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और यही आपका क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब देखें, कोई भी आपका जो ग्रोइंग रीजन है, कोई भी प्लांट का जो ग्रोइंग रीजन है, ठीक है, वहां पे आपका एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन, ठीक है, एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन, वो आपका सिंथेसाइज होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपके प्लांट के ग्रोथ के लिए इन द टिप रीजन, ठीक है। तो प्लांट के टिप रीजन में ऑक्सिन आपका प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके वजह से आपका प्लांट क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें, ये आपका सनलाइट है, इफ दिस इज योर सनलाइट, और ये आपका ग्रोइंग रीजन है, यहां पे आपका ऑक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में जो ऑक्सिन है, ठीक है, वो आपका शिफ्ट कर जाता है। अब जैसे यहां पे आपका ऑक्सिन था, ठीक है, अब ये ऑक्सिन आपका शिफ्ट कर जाएगा आपके दूसरे रीजन में, जो कि शेडी रीजन है, मतलब आपके सनलाइट से जो दूर है आपका रीजन प्लांट का, उस पर्टिकुलर रीजन में आपका शिफ्ट कर जाता है। अब इस पर्टिकुलर रीजन में जब ये शिफ्ट करेगा तो दूसरे तरफ जो आपका शेडी पोर्शन है वहां पे आपका ग्रोथ क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब ग्रोथ अगर ज्यादा होगा इस रीजन में, तो ये आपका जो पर्टिकुलर आपका शूट का जो टिप है, इट विल बेंड टुवर्ड द सनलाइट, ये आपका जो है सनलाइट की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड नहीं कर जाएगा। अगर ये ग्रोथ ज्यादा हो रही है इधर, और इधर आपका ग्रोथ अगर कम हो रही है, तो आपका जो शूट टिप है दैट विल बेंड टुवर्ड द सनलाइट। तो दिस इज द रीजन ऑफ बेंडिंग ऑफ
should tip towards the sunlight. Okay, thank you. Next question is question number 27. ओके अब देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. डायग्राम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है. हर्ट के हर्ट में कैसे आपका सर्कुलेटरी मैकेनिज्म है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है. तो आप लोगों को पता है बच्चों, जो आपका हर्ट का राइट साइड है दैट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये आपका क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. और जो आपका लेफ्ट पोर्शन है, ठीक है, दैट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो आप देख लो आपके राइट साइड में कौन कौन सा आपका जो है कौन कौन सा जो है आपका अल्फाबेट है, और आपके लेफ्ट साइड में कौन कौन सा अल्फाबेट है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो. अब जैसे कि आप देखें, ई ए एंड सी इट इज प्रेजेंट इन योर राइट साइड. ये आपके राइट साइड में है, तो राइट साइड में आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है ना. तो वी कैन राइट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज एट ई ए एंड सी, है ना. और अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो एफ बी और डी, ये आपका क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है. अब अगर इसका नाम लिखने के लिए कह रहा है, अगर आप नाम लिखते हैं तो और भी अच्छा है. अगर हम ई की बात करें तो व्हाट इज ई, ई है क्या बताइए. ई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ई जो है इसमें डीऑक्सीडेटेड ब्लड आ रहा है आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, ठीक है, थ्रू वेना कावा. इंफीरियर और सुपीरियर आपका जो वेना कावा है, ये आपके डीऑक्सीडेटेड ब्लड को आपके एट्रियम में लेके आ रहा है ना. और ये एट्रियम क्या है, राइट एट्रियम है, ठीक है. तो आप कह सकते हो जो ई है दैट इज योर राइट एट्रियम, है ना, जहां पे आपका ब्लड जो आ रहा है वो वेना कावा से आ रहा है. उसके बाद अगर हम ए की बात करें तो ए क्या है, यहाँ पे आपका राइट वेंट्रिकल, यस इट इज राइट वेंट्रिकल. उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, ये आपका जो राइट वेंट्रिकल है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ को जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स, लंग्स में जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए. तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके जो है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, सॉरी पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू इट इज सेंट टू द लंग्स. तो वी कैन राइट सी एज पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि आपके लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैरी करने का काम करता है. चलिए अब देखते हैं, आपका एक स्ट्रक्चर है एफ. तो एज यूजुअल आपको पता है ये आपका राइट एट्रियम हो गया, तो ये आपका लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा. और ये अगर बी की बात करें तो ये आपका कौन सा वेंट्रिकल होगा, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, ठीक है. और उससे रिलेटेड अगर हम देखें, यहाँ पे बी से ये ब्लड जो है फिर आपका पंप कर दिया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है. तो ये आपके अयोटा के थ्रू, है ना, आपके अयोटा के थ्रू ब्लड के सॉरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जो है ये पंप कर दिया जाता है. तो सो वी कैन राइट डी एज अयोटा, ठीक है. एक नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट. आप फ्लो चार्ट के हेल्प से आपको डबल सर्कुलेशन जो है एक्सप्लेन करना है. तो बहुत सिंपल है बच्चों, आप जो है देखो अगर ये आपका हर्ट है, ठीक है, और हर्ट के अंदर आपके जो है दो चैम्बर्स हो गए, है ना. दो चैम्बर्स में एक आपका जो है ये राइट एट्रियम हो गया, दिस वन इज योर राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है. अब अगर हम देखें यहाँ पे जो राइट आर्ट्रियम है इसमें कौन सा ब्लड आता है, अभी मैंने आपको बताया इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो कहाँ से आएगा,
आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आएगा, ठीक है? तो बॉडी टिश्यूज, ठीक है, या बॉडी पार्ट्स भी आप लिख सकते हो। तो ये आपका बॉडी पार्ट से, ये आपका जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है दैट रीचेस टू द राइट एट्रियम, ये आपका राइट एट्रियम में आएगा। उसके बाद राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में आता है ना, और राइट वेंट्रिकल से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्यूरिफाई होने के लिए कहाँ जा रहा है, लंग्स को जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं इट गोज टू द लंग्स, ये आपका लंग्स को चला गया। अब लंग्स जो है इसको प्यूरिफाई करेगा और किसको भेज देगा, आपके लेफ्ट एट्रियम को भेजेगा। तो दिस ब्लड विल कम टू द लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड आपका फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये आपका फिर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से इट रीचेस टू द बॉडी टिश्यूज, है ना, ये आपके बॉडी टिश्यूज तक आएगा। ओके अब इसको जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये क्या है, दिस इज योर वेना कावा, ये आपका क्या है, वेना कावा है। फिर आपका दिस वन इज योर आयोटा, आयोटा के थ्रू आपका जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा। फिर आपका ये क्या है, दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरीज एंड दिस वन इज योर पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है एक्सप्लेन किया जो आपका डबल सर्कुलेशन का मैकेनिज्म था उसको, है ना। Now we come to the next question. It is question number 28. The question is, describe the various steps involved in the process of binary fission with the help of a diagram. You have to represent it with a diagram. You have to just draw a diagram. Okay. सबसे पहले अगर हम binary fission की बात करें, अगर if we are talking about the binary fission. बस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी फीजन, तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बैक्टीरिया में बाइनरी फीजन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे ये कोई आपका बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, अब बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको पता है जो आपका क्रोमोजोम होता है दैट इज नॉट बाउंड बाई अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, तो सिंपली यू कैन रिप्रेजेंट इट विथ some thread-like structure, this is your chromosomes, okay। अब यह आपका बैक्टीरिया हो गया, है ना, बाहर में आपका क्या है, this is your cell wall, ये आपका cell wall हो गया, and this is your plasma membrane, ये है आपका plasma membrane हो गया। और फिर अगर हम यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है दिस इज योर डीएनए। अब अगर हम बाइनरी फ्यूजन की बात करें तो बाइनरी फ्यूजन में सबसे पहले जो बैक्टीरिया है वो अपने डीएनए के अमाउंट को क्या करता है, डबल करता है, ठीक है। तो आप जो है जब रिप्रेजेंट करोगे इस सेल को
तो सबसे पहले ये शो करोगे कि आपका जो डीएनए का अमाउंट है वो क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, मतलब डुप्लीकेट हो जा रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए मल्टीप्लाइज, ठीक है, और डुप्लीकेट, ठीक है। तो डीएनए आपका जो है सबसे पहले आपका मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर आपका डुप्लीकेट हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें जो आपका मेम्ब्रेन है, बाहर का जो मेम्ब्रेन है और जो आपका सेल वॉल है, वहां से आपका डिवीजन स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डिवाइड करके डबल हो गया है, ठीक है। तो अब जो है बीच में आपका क्या होगा, एक क्लेफ्ट बनेगा और ये जो आपका सेल है वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। इससे पहले एक स्टेप हमने मिस कर दिया, इसके पहले हमने एक स्टेप मिस कर दिया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे डीएनए का अमाउंट आपका डबल हुआ, फिर आपका सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद इट फॉर्म्स टू न्यू सेल्स, दैट इज कॉल्ड टू डॉटर सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, देयर इज अनदर सेगमेंट इन क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई डू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन। उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों आपके कॉम्प्लेक्स वेज का यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो सिंपल सा आपका जो है आंसर है, कॉम्प्लेक्स वे की जरूरत क्यों पड़ती है। आपका सिंगल सेल क्या होता है, डिवाइड करता है, अभी आपने देखा बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करके आपके नए सेल्स प्रोड्यूस करेगा, लेकिन आपके जो कॉम्प्लेक्सर ऑर्गेनिज्म है दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स, दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड दे फॉर्म अ पर्टिकुलर टिश्यू, है ना। वो क्या बनाते हैं, पर्टिकुलर टिश्यू बनाते हैं, और ये आपके टिश्यू एग्रीगेट होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, एंड दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात करें, तो दैट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, और सिंपली आपका जो सेल है वो डिवाइड करके नए सेल का फॉर्मेशन अगर कर भी दे तो आपके जो टिश्यूज हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं, उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो आपके कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जो आपके कॉम्प्लेक्सर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें कि आपका जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपके बॉडी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वो आपके जो है स्पेशलाइज्ड मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28 का, और में है ये क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड टेस्टिस इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और टेस्टिस का क्या रोल है। तो सबसे पहले आप देखें यहां पर टेस्ट, अगर तीनों को अगर हम जो है कलेक्टिवली तीनों की बात करें, तो आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, दीज आर द ग्लैंड्स, है ना, और जो टेस्टिस है दिस इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल।
तो टेस्टिस के बारे में हम जानते हैं, टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। अब स्पर्म जो प्रोड्यूस होता है उसको उसकी मूवमेंट के लिए क्या चीज की जरूरत होगी, फ्लूइड मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। दैट फ्लूइड मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय द सेक्रीशन ऑफ दिस प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल, ठीक है। जो प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड सेक्रीशन होता है दैट कंटेन्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स, वो आपके न्यूट्रिएंट्स भी आपका जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे फ्रक्टोज हो गया, है ना। तो फ्रक्टोज वगैरह की वजह से आपका जो स्पर्म है, ठीक है, उसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है फॉर द मूवमेंट, मूवमेंट के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है वो, है ना। तो इस तरह से आप अगर जो है इसको डिस्क्राइब करना चाहो तो प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल वेसिकल इट मेक्स द मीडियम फ्लूडी, है ना, जिसमें कि आपका स्पर्म जो है वो आपका क्या करता है, स्विम करता है, है ना। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स एंड स्पर्म्स आर रिलीज्ड बाय टेस्टिस, ओके। द नेक्स्ट पोर्शन इज हाउ इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज मिसयूज्ड, कैसे आपका जो है अनवांटेड सर्जिकल, हाउ इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज मिसयूज्ड, कैसे आपका जो है अनवांटेड प्रेगनेंसीज में जो आपका सर्जिकल रिमूवल है उसको मिसयूज किया जा रहा है नाउअडेज। तो कैसे मिसयूज कर रहे हैं ये तो आपको पता ही है। बहुत बार आप देखोगे जेंडर का डिटर्मिनेशन, है ना, जेंडर हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो पहले हम लोग जो है जेंडर को डिटरमाइन करवा लिया, बर्थ से पहले हमने जेंडर डिटरमाइन कर लिया, और फिर हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल रिमूवल का यूज करते हैं आपके प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करने के लिए। दैट इज द ड्रॉबैक, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे आपके सर्जिकल रिमूवल का क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, आपके अनवांटेड प्रेगनेंसीज के सर्जिकल रिमूवल का मिसयूज हो रहा है, ठीक है। या फिर आप जो है कई बार देखते होगे इलीगल सेक्स, ठीक है। इलीगल सेक्स कहने का मतलब जैसे रेप वगैरह के जो विक्टिम होते हैं, ठीक है, या फिर आपका इलीगल सेक्स की वजह से कई बार आपका प्रेगनेंसीज जो है उसको टर्मिनेट करवाने की जरूरत होती है, तो फिर जो है वहां पे हम लोग जो है सर्जिकल रिमूवल का यूज करते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ मिसयूज, है ना, दैट इज अ काइंड ऑफ मिसयूज ऑफ सर्जिकल रिमूवल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इन प्रिवेंटिंग कंसेप्शन, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का क्या रोल है कंसेप्शन को प्रिवेंट करने में। तो इसके बारे में आपको पता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंट्रासेप्टिव पिल्स, दीज आर द केमिकल मींस, है ना, बाय विच वी कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसीज, ठीक है। तो इसमें अगर हम कंट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें तो कंट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर क्या होता है, इट हैज फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन, ठीक है। कौन कौन सा हार्मोन होता है कंट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन, और ये आपका जो दोनों हार्मोन है, ठीक है, इट प्रिवेंट्स द ओव्यूलेशन, ये आपके ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ओव्यूलेशन अगर नहीं होगा, है ना, एग रिलीज नहीं होगा, तो फिर फर्टिलाइजेशन होने के कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है प्रेगनेंसीज को ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के हेल्प से क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, ओके। दिस इज ऑल अबाउट योर सैंपल पेपर। Thank you.